आज हम बात करते हैं IVF और ICSI टेक्निक में अंतर के बारे में। IVF टेक्निक हम आमतौर पर उन निसंतान दंपति के लिए करते हैं जिन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब या गर्भ नली में ब्लॉक होता है, परंतु पुरुष के वीर्य की जांच एकदम नॉर्मल होती है। IVF टेक्निक में हम महिलाओं को हार्मोन का इंजेक्शन देकर उनके अंडों को बड़ा करते हैं और फिर अंडे को बाहर निकालकर बहुत सारे शुक्राणु के बीच रख देते हैं। इन सब शुक्राणु में अंडे को जो शुक्राणु सबसे बेहतर लगता है वो उसकी खोल के अंदर प्रवेश करते हुए अंडे के साथ मिलकर एक भ्रूण बना लेता है। यह नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म है, क्योंकि इसमें हम शुक्राणु सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी कोई भी शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश नहीं करता, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन फेलियर यानी अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है और IVF फेलियर होने का खतरा बना रहता है। या फिर कभी कभी दो शुक्राणु एक अंडे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से स्वस्थ भ्रूण नहीं बन पाता और IVF सक्सेस नहीं हो पाता। इससे एक एडवांस टेक्निक है, वो है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हम उन निसंतान दंपति के लिए कर रहे हैं जिन पुरुष के वीर्य में या तो शुक्राणु की मात्रा कम है या फिर निल है, यानी TC या TISA टेक्निक से अपन ने शुक्राणु प्राप्त किए हैं, या फिर जिनकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है। ऐसे में हम पर्सनल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं, यानी जो शुक्राणु की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छी होती है उसको एक इंजेक्टिंग पिपेट में लोड कर लिया जाता है और अंडे को होल्डिंग पिपेट से पकड़ लिया जाता है और फिर इस एक शुक्राणु को उस अंडे के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इसमें हमने पर्सनल सिलेक्शन ऑफ स्पर्म किया है, उस वजह से केवल एक शुक्राणु एक अंडे के अंदर प्रवेश करता है और फर्टिलाइजेशन फेलियर का खतरा न के बराबर हो जाता है। साथ ही शुक्राणु और अंडे मिलकर एक अच्छा भ्रूण बना पाते हैं। ICSI और IVF टेक्निक दोनों से निसंतान दंपति संतान प्राप्ति कर सकते हैं।